तो पशु पक्षी सभी जी लेते हैं, पेट भर लेते हैं जिसका भी जन्म हुआ, लेकिन वो लोग धन्य है जो अपनी जिंदगी में मानवता के लिए जीते हैं, नैतिक पक्ष से आच्छादित रहते हैं और मरने के बाद भी बहुत कुछ देते हैं। ऐसे ही एक महामनीषी का पार्थिव शरीर शेरपुर गांव से, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में शेरपुर गांव है, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला गांव है, और यहां से एक प्रिंसिपल साहब का देहदान जो पहले हुआ था 2017 में, मरणोपरांत उनके बच्चों ने उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करने का निर्णय लिया है। यह पार्थिव शरीर यहां से जाएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो महामना का पवित्र मंदिर है, और वहां समर्पित कर दिया जाएगा जिससे मेडिकल के बच्चे पढ़ाई करेंगे और अच्छे डॉक्टर बनेंगे। आप देख रहे हैं इनके इंजीनियर पुत्र हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में इनका देहावसान हुआ, दिल्ली से लोग रातों रात घर में आए और घर में आकर के प्रिंसिपल साहब की अंतिम इच्छा लोग पूरी कर रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि देहदान का संकल्प पत्र मैं नहीं भरा था, पिछले दिनों 7 जनवरी को हमारी माता जी ने अंतिम सांस लिया, उनके भी उस इच्छा को पूरी करके हम लोगों ने देहदान को पूरा किया। यही के निवासी है कुंभनाथ राय, मैं एक बार दिखा देता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी लोग कर रहे हैं। इनकी माता जी करावती है का पार्थिव शरीर भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए समर्पित कर दिया गया। प्रिंसिपल साहब लंबे कालखंड तक लगभग 3 दशक तक यह सेवा में रहे, लोगों को पढ़ाए लिखाए, बच्चों को, इनके पढ़ाए लिखाए बच्चे डॉक्टर इंजीनियर तमाम बड़े बड़े स्थानों पर है। इन्होंने कहा जब तक जिंदा रहा तब तक हमने पढ़ाया बच्चों को, और दुबे जी मरने के बाद हमारा पार्थिव शरीर मेडिकल के बच्चों को काम आए जो पढ़ करके अच्छे डॉक्टर बने और देश की सेवा करें। आप सौभाग्यशाली हैं, कभी भी अमन में पर्व के रूप में इसे मनाना है। आपके पिताजी ने जो किया है यह मील का पत्थर है, लोग डर रहे हैं कि भैया कैसे किया जाए। हमारी लगातार फोन से बातचीत होती रही, और इस समय जिस तरह से यह वायरल वैश्विक रूप से लिया है, सभी डॉक्टरों को योद्धा कह रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, भगवान के दूसरे रूप में जाने जा रहे हैं, वैसे में आपके पिताजी जो चिकित्सीय सेवाओं के लिए योगदान दे रहे हैं, यह निश्चित रूप से जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए हम लोग अस्तुत्य हैं। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, आगे इसको और बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं, काशी कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना है, और अंतःकरण की संपूर्ण गहराइयों से कहते रहे, रास्ते पर बात होती रही, हमने कहा देख लीजिए लंबा समय हो रहा है, हमने एनाटॉमी विभाग की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है राणा मैडम, उनसे भी हमने बात किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप ले आइए, हम ले लेंगे, उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करेंगे। तो देखिए तो अमर हो रहे हैं, और सुदर्शन राय अमर रहे हैं, सुदर्शन राय अमर रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, पवित्र माटी को हम लोग प्रणाम करते हैं। और देखिए यहाँ ऑक्सीजन के लिए तुलसी का पौधा भी लगाया गया है, फूल माला से गांव के लोगों ने इन्हें अंतिम विदाई दिया है। इनके पिताजी वंश नारायण राय जी 18 अगस्त 1942 को यहीं से एक टोली निकली थी कि तहसील पर झंडा फहराएंगे और अंग्रेजों को यहां से निकाल फेंकेंगे। यहां से टोली चलती है, पहुंचती है तहसील मुख्यालय और झंडा फहराती है, अंग्रेज गोली चलाते हैं, एक गिरते हैं, झंडा झुकने नहीं दिया जाता है, दूसरा उठा लेते हैं, दूसरे को गोली लगती है, तीसरा झंडा उठाता है, तीसरे को लगती है, चौथा उठाता है। इस तरह से कुल 8 लोग शहीद हुए थे यहाँ, और यह 8 शहीद इंटर कॉलेज भी यहाँ है जहाँ प्रिंसिपल रहे। तो हम लोग अंतिम विदाई देते हैं, भारत माता की, सुदर्शन राय अमर रहे, सुदर्शन राय अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, धन्यवाद। अब एक चीज यह कहना है, बहुत कम लोग चले, हम सभी को इसका पालन करना है, यहीं से विदाई दे दिया जाए, और बहुत कम लोग, 4 लोग कंधा देने के लिए पर्याप्त है, और अगर चलना चाहे तो दूरी बढ़ाकर की गाड़ी पर बैठा जा सकता है।
क्योंकि अपना भी बचना है और लोगों को भी बचाना है। धन्यवाद।